यूक्रेनी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रूसी सेना ने किया टारगेट, ब्रेक करें इसको। यूक्रेन के पावर ग्रिड कंट्रोल सिस्टम पर किया गया हमला, विजुअल्स बहुत शॉकिंग है। हमले के बाद कंट्रोल सिस्टम वाली बिल्डिंग में लग गई आग, ये तस्वीरें देखें। हमले में एक महिला की मौत, 3 लोग घायल, रेस्क्यू जारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करें, एक और बड़ी खबर। रात से लेकर सुबह तक रूस ने मचाया आतंक, सीधे दिखाई है यहां पर। पर रूसी ड्रोन अटैक पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, ये तस्वीरें देखिए, एम्बियंस अब करिए राहुल। रूस ने कामिकेज़ ड्रोन और मिसाइलों से बोला हमला। मैं जाऊंगा राहुल पहले की 2 ब्रेकिंग और ये वाला ब्रेकिंग, ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट्स के साथ मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास। इस वक्त मेरे साथ जनरल के सिन्हा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इट इज अ वेरी बैड डे फॉर कीव मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं, आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मेरे साथ एम्बेसडर आंचल जी हैं। आंचल सर थैंक यू, आप तो जॉर्जिया में सर्व कर चुके हैं। मेरे साथ विनोद अगस्तीन सर हैं, जिनके पीछे अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई एरियल डिफेंस सिस्टम में देख रहा हूं, बट नेवरदलेस वो मुझे बताई देंगे, ही ऑलवेज टेक्स अवे माय जॉब। लेकिन ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा जल सेना सर के पास। सर पुतिन के कुछ टारगेट्स थे, वो पूरे नहीं कर पाए, उन टारगेट्स को पर उन्होंने वापस अटैक किया है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आई एम टॉसिंग ओवर माय क्वेश्चन टू एम्बेसडर आंचल सर, योर टेक सर। देखो निशांत, ये जो हमला हुआ था ब्रिज के ऊपर, क्रीमिया ब्रिज के ऊपर, और जिस तरह उसकी टाइमिंग थी और जिस तरह से पुतिन को रिडिक्यूल किया गया था, पुतिन के बर्थडे की ईव पे हुआ था, उसके बाद मीम्स बने, उसके बाद कैरिकेचर बना, उसका मजाक उड़ाया गया, तो पुतिन उन लोगों में से नहीं है जो इस तरह की बातों को लाइंग डाउन ले लेते हैं। एक तो जो इमीडिएट रिस्पांस हमने देखा, तो अब लग रहा है कि कंटिन्यूड रिस्पांस है, यानी जो थोड़ी बहुत भी उम्मीद थी कि शायद कहीं इस लड़ाई की जो तेजी है इसमें कहीं नरमाहट आ जाएगी, तो बीच बीच में ऐसे ही ऐसी स्टेटमेंट्स भी आती रहती हैं कि जहाँ कीव बोलता है या ज़ेलेंस्की बोलता है कि हाँ हम तैयार है बात करने के लिए, पुतिन कहता है हम भी बात करने के लिए तैयार हैं, ग्राउंड रियलिटी पे तो मारपीट ही हो रही है। और ये जो है मुझे नहीं लगता कि फिलहाल इस समय जो बहुत ही एग्रेसिव मोड में आ गए हैं ये पुतिन और पुतिन के जो जितने भी एडवाइजर्स हैं, तो फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसमें युद्ध में जो है थोड़ी और तेजी पकड़ेगा। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं, आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।